सारा कुछ अलग कर रही हूँ। इक्षित को कोई काम मिल रहा है फिर तो इक्षित को मजा आ जाता। तो ये कंप्लीट होने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है, इस पे हमने ये कैक्टस रख दिया। हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपने जैसे कि लास्ट व्लॉग में देखा होगा कि हमारा सामान नोएडा से जा रहा था और मैं झांसी आ चुकी हूँ, तो अभी हमें रिसीव हो गया है झांसी सामान। तो देखिए हमारा सामान आ चुका है, वॉशिंग मशीन है, सारा सामान आ गया है। अब इसको हम लोग खोलेंगे आराम से, जब खोलूँगी मैं तब आपको दिखाऊँगी क्या क्या पैक होके आया है। वैसे आपने वहाँ पे देखा ही होगा कि हम क्या क्या पैक कर रहे थे कपड़े वगैरह, बट मैं दिखाऊंगी आपको। ये देखिए कमरे की हालत ये हो रखी है, सारा सामान फैला पड़ा है। तो मेरा सामान भी आ गया, तो मैं सोच रही हूँ कि कुछ कुछ सामान पहले, ये जो बैग है इसमें से मैं सामान वो कर लेती हूँ कि मुझे कौन सा अभी यूज़ करना है, तो वो मैं कपड़े अलग कर लूँगी और जो नहीं यूज़ करना है जो यूज़ करना है वो मैं इसमें रख लूँगी और जो नहीं यूज़ करना है वो इसमें रख दूँगी। और ये सारा सामान देखते हैं कि क्या करना है। तो चलिए हम सबसे पहले करते हैं कपड़ों को अलग, यानी कौन से कपड़े यूज़ करने हैं अभी और कौन से नहीं करने हैं। तो मैं जो मुझे यूज़ करने हैं वो मैं दूसरे बैग पर रखूँगी और जो मुझे यूज़ नहीं करने हैं वो मैं अलग बैग में रखूँगी। तो एक्चुअली इसमें मिक्स कपड़े हैं, मेरे भी हैं एंड इक्षित के भी हैं। मैं फैन चला लेती हूँ, यार गर्मी लग रही है। तो धोती कुर्ता है इक्षित का।
यहाँ तो कैमरा चल रहा है, ब्लॉग बन रहा है, मुझे भी इस ब्लॉग में आना है, मुझे भी ले लेना मम्मा इस ब्लॉग में प्लीज, मुझे ले लेना मम्मा इस ब्लॉग में। अरे वाह, तो मुझे कैमरा बनवाना है। आ रहा हूँ मम्मा, आ रहा हूँ मैं, कैमरा लेने आ रहा हूँ मम्मा, रुको रुको मैं आ रहा हूँ, कैमरा लेने मुझे कैमरा दे दो, मुझे भी ब्लॉगिंग करनी है मम्मा। अरे मुझे कैमरा नहीं दे रही हो, मैं ये कैमरा लेकर आऊँगा, मुझे कल भी कैमरा चाहिए था, मुझे आज भी कैमरा चाहिए, आपने मुझे कल नहीं दिया, आज तो मैं ये कैमरा लेकर ही रहूँगा। मुझे कैमरा दे रही हो या नहीं दे रही हो कि मैं शैतानी करूँ? अच्छा आप नहीं दे रही हो तो मैं शैतानी करता हूँ। यहाँ पर रखे हमारे बॉक्स, तो हम लोग पहले देख लेते हैं किस बॉक्स में क्या है। लो पढ़ गया, इसमें साड़ी है, इसमें ऐसा ना सुलेखा है, नाइस, साथ निभाना साथी। जिया जी ने लिखवाया था SNS, हमने कहा समझेंगे कैसे SNS, कह रहे मैं बता दूंगा SNS क्या होता है। साथ निभाना साथी है, गोपी वो। अब मम्मी कह रही इक्षित बेधड़क गिर रहा हाथ जोड़ के। वो देखो इक्षित बहुत खुश है बॉक्स को देख के। इशू बहुत स्पेस है, बहुत सामान आ जाता है। देखिए और अभी ये वाला तो खाली है बॉक्स, पूरा सामान आ गया है इसमें। Nice. सब लोग यहाँ पे बैठे हैं इंतजार में, बड़ा टाइम लगा। यहाँ मेरे ये बैग निकल आए हैं, इक्षित के टॉय भी निकल आए हैं बहुत सारे, तो इक्षित एंजॉय कर रहा है अपने टॉय के साथ। 2000 years later तो बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ और आप देख सकते हो मैस घर में सामान यहाँ से वहाँ पड़ा हुआ है सारा। वहाँ उस साइड देखो कैची, सारी साड़ियाँ रख दी हैं बगस में, पूरा फुल हो गया बगस। दो साड़ियाँ अभी भी एक्स्ट्रा बची हैं, वो अलमीरा में रखी थी, इसको मैं पैक करके रख रही हूँ। एक डिब्बा और खाली हो गया है और अभी और भी सामान बचा है, वो भी सेट करना है। आप लोग टाइम देख सकते हैं, हम लोग 3-4 घंटे से लगे हुए हैं। 10:15 हो गया, हम लोग 6:30 से लगे हुए हैं। हाँ अभी तक भी नहीं हो पाया, अभी इसको अगस्त में
पर आएगी सारी साड़ियाँ, तो बड़ी भी मजे कर रहे हैं और बड़ी ने एक शिप का एक जूता खा लिया यहाँ बैठे बैठे। मैं इस घर का सारा सामान खा जाऊंगा, मुझे बहुत मजा आ रहा है सामान खाने में। The next morning. तो अभी आई हूँ मैं शावर लेकर, और थोड़ा बहुत सामान जो हम लोग का रात में थोड़ा बहुत सामान था वो हम लोगों ने उसको अपनी जगह पर शिफ्ट किया, और अभी जो सुबह सामान बचा हुआ था वो अभी हमने सुबह शिफ्ट किया। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि आप घर की हालत कैसी है। पहले तो बहुत ज़्यादा बुरी हो रखी थी घर की हालत, तो मैं दिखाती हूँ आपको। रूम पूरा खाली हो चुका है, यहाँ पे हम लोगों ने बलून डाल के रखे हैं क्योंकि बड्डी क्या करता है ना कि हमेशा सोफे पर ही बैठा रहता है और उसको बलून से डर लगता है, तो हम लोग ऐसे बलून लगा देते हैं। बस यहाँ पे इक्षित के कुछ टॉय रखे हुए हैं, इसमें सारे इक्षित के टॉय हैं। बस ये वाला बॉक्स बचा हुआ है जो रखना है, तो वो हम लोग बाद में रखेंगे। बाकी देखिए पूरा रूम एकदम क्लीन हो चुका है, जो बाहर बॉक्सेस रखे थे वो भी हटा दिए हैं, सिर्फ वॉशिंग मशीन रह गई है, तो वो हम लोग देखते हैं बाद में कि कहाँ रखना है। तो अब ये है हमारे रूम की हाल। और यार इतना ज़्यादा हम लोग थक गए थे ना काम कर करते, इतना ज़्यादा सामान था, उसको कहाँ शिफ्ट करना है कहाँ रखना है कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि सामान को रखें कहाँ। तो कुछ कुछ कपड़े वगैरह थे जो सर्दियों के, वो हमने बेड में रख दिए क्योंकि उसकी अभी हमें ज़रूरत है नहीं है, और बाकी जो बॉक्सेस वगैरह थे वो भी हम लोगों ने रख दिए। तो अभी फाइनली मेरा सारा सामान अच्छे से रख गया है, बाकी जो मेरा यूज़ वाला सामान है वो मैंने बाहर निकाल लिया। तो बस यही था आज के ब्लॉग में, ये वाला ब्लॉग मैं यही ख़त्म कर रही हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको ब्लॉग पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।